आज प्रश्न इंडिया अलायंस का, अरविंद केजरीवाल जी अकेले का या एक आम आदमी पार्टी का नहीं है, आज देश के सामने प्रजातंत्र और व्यवस्थाओं का है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या होती है? इलेक्शन कमीशन कोड लगने के बाद आपको भी मालूम है कि सारे जितने ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी होती है सीधे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कोड लगने के बाद ऐसा क्या हुआ कि एजेंसीज को ऐसे ओवरराइडिंग पावर्स कैसे मिल गए कि आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप उठा के अरेस्ट कर लिए? आप 2 साल से इस केस की, इस फर्जी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, 2 साल से, 2-2 साल से नेता जो है जेल में आप डाल रखे हो, आपको एक रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला। अब जब चुनाव आया है आप, तो इनका एक ही मकसद था कि केजरीवाल को कैसे चुनाव से अलग रखा जाए, और उन्होंने यही किया है। ईडी आज अपना जो भी मान सम्मान था खो चुकी है, और जिस तरीके से ये काम कर रही है, सारे इनके ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से आते हैं। ये बिल्कुल, ये आरोप है और ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। आप देखेंगे कि पिछले 14-15 ऐसे केसेस आप देख सकते हैं जहां पर इन्होंने ईडी के रेड कराए और पॉलिटिकल यूज करने के लिए अपने में शामिल करा लिए या फिर उनको जेल में डाल दिए। कोड लगने के बाद देश के इतिहास में ये पहली बार कोई सरकार इतनी हिम्मत नहीं करती थी। इलेक्शन कमीशन का डर सबको रहता है, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई इस सरकार को कि इलेक्शन कमीशन को उनको कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि धता उड़ा रहे इलेक्शन कमीशन की, कोड लगे गए भाड़ में। कोड का क्या होता है भारतीय जनता पार्टी कह रही है, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हम आज इलेक्शन कमीशन से मिलके उनके दायित्वों का उनसे निवेदन किया कि आप अपनी ताकत पहचानिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, देश आपसे प्रश्न पूछेगा, आज किसी और एजेंसी से प्रश्न नहीं पूछेंगे, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। सीआई ने कहा कि हम इस पर देखते हैं और आगे बताएंगे। कल से मैं खुद और मेरे साथ कई सारे लोग, हम घर में जाकर सारे परिवार वालों से मिलना चाह रहे थे, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था। उनके घर में दूध, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स किसी की सप्लाई सुबह से रोक दी गई थी, जितने एमएलएज और जितने मिलने जाने वाले थे सबको रोक रखे थे, तो एक तरीके से वर्चुअली डिटेन करके रखा था पूरे परिवार वालों को। तो इस पे कोई नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से और कोई उम्मीद नहीं है इस देश को। प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी को तो पूरे देश जानती है, प्रश्न आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर खड़ा हो रहा है कि कोड लगने के बाद ये सारी गुंडागर्दी चल रही है, आप कहाँ खड़े हो? इंडिया अलायंस में सभी राजनीतिक दलों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतने शॉर्ट नोटिस में वो अपने अपने स्टेट से यहाँ आए, और कल से ही जिस तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया है वो बहुत बड़ी बात है, मैं उसका पूरे दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये प्रश्न आम आदमी पार्टी का नहीं है, प्रश्न आज देश की प्रजातंत्र का है, प्रश्न आज देश की व्यवस्थाओं का है। और मैं बता दूं कि व्यवस्थाएं बनने में दशकों लगती है, इसको तोड़ने में कुछ क्षण लगते हैं। वॉलंटियर बेस्ड पार्टी है, आगे की रणनीति है, चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल जी जेल में है, वो इतने कॉम्पिटेंट है कि जेल में बैठ कर भी इनकी नींद चैन हराम कर देंगे। दिल्ली लोकसभा इलेक्शन में, बाकी सब जगह के इलेक्शन में जितने वोट पड़ने वाले थे उससे ज़्यादा वोट पड़ेंगे। भारतीय जनता की पार्टी, जितने भी पंडित हैं जो भी कैलकुलेट करते हैं, उन्होंने सबको पढ़ा होगा, केजरीवाल को कोई पढ़ नहीं सकता है। आज जो उन्होंने उनको जेल में डाला है उससे आम आदमी पार्टी को जनता और प्यार ज़्यादा सपोर्ट करेगी, आगे बढ़कर आएंगे और इनको अपना असलियत सामने आएगा इनका।